बता सकता हूँ, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। आइए ऐसा ही उल्टा पुल्टा कारनामा करने के लिए उर्दू और हिंदी दुनिया में तंजिया और मजाइया शायरी, हास्य व्यंग की कविताओं और खूबसूरत गुफ्तगू के लिए बहुत मशहूर नाम जनाब शरीफ भारती से मेरी गुजारिश है, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से। मैं बहुत देर से पोस्टर देख रहा हूँ हकीम रब्बानी साहब का, इसमें एक लाइन बहुत बढ़िया लिखी है कि 72 घंटे में हैरत अंगेज असर। मैं समझ गया ये चुनाव आयोग में थे पहले, 72 घंटे का वहां भी असर हो रहा है और यहाँ भी असर हो रहा है। और ये हमारे भाई हर किसी के बार बार हार डाल के जा रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, इन्होंने मेरा सम्मान करा, अल्लाह ताला पुलिस इनका सम्मान करे, मैं दिल से दुआएं दे रहा हूँ। और अभी हमारे भाई कुछ लोग कह रहे थे, हाँ यही कह रहे थे हमारे नदीम फर्रूक साहब के साहब, पहले ग्राहक जाता था, लोग कहते थे ग्राहक हमारा देवता है, अब दुकान पे लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की कैमरे की निगाह में हैं। मेरे यहाँ मेहमान आ गए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मैंने तो अपने बाथरूम के अंदर लिखवा दिया आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं। दूसरे दिन सारे मोहल्ले के लोग भी चले गए, बोले पता नहीं कितनी बार फोटो खिंच गया होगा अब तक। तो वो दहशत पैदा करनी होती है हम लोगों को, देखिए। और ये अभी कुछ देर से ये लोग कह रहे हैं कि ये आवाज माइक खींच रहा है, हमारे यहाँ मुशायरा हुआ, सब माइक कह रहे थे खींच रहा है, हर शायर शिकायत कर रहा, नाजिम से मुशायरा कि साहब माइक आवाज खींच रहा है। बाद में माइक वाला आया, बोले साहब मीसम गोपालपुरी साहब ने क्या कलाम सुना दिया, मेरा माइक का सारा आवाज खींच लिया इन्होंने, इनकी आवाज नहीं खींची। तो मीसम गोपालपुरी साहब, जौहर कानपुरी साहब, इनके जलवे आप देखेंगे, फिलहाल आप मुझे बर्दाश्त कर लें। पहले आजकल राजनीति में बड़े बयानबाजी चल रही है, मोदी जी कह रहे हैं मैं चौकीदार हूँ, राहुल जी कह रहे हैं चौकीदार ही चोर है, तो भाजपा कह रही है मोदी जी है तो मुमकिन है। उधर अखिलेश जी का एक बयान आया कि अगर वो चाय वाले हैं तो हम दूध वाले हैं, तो लोग बोले भाई साहब चाय की पत्ती वाला कौन है, बोले जी वो तो टाटा है, बोले फिर राहुल अंबानी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, टाटा के पीछे पड़ना चाहिए। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब, पुलिस हमारे यहाँ बहुत कम है क्योंकि इंतजाम आप लोग काफी अच्छा कर लेते हैं, मेरे यहाँ चेकिंग बहुत होती है, एक दिन मैं बिना हेलमेट के निकल गया, चेक पोस्ट पे देखा 5-7 पुलिस वाले खड़े थे, बोले भाई साहब इधर आ जाओ कागज ले आओ, मैंने जी कागज तो है नहीं, बोले हेलमेट भी नहीं है कागज भी नहीं है, तो फिर ऐसा करो 500 रुपए खर्च करो। मैंने कहा साहब 500 भी नहीं है, पर्स में 100 ही रुपए हैं और उसकी भी सब्जी लेने जा रहा हूँ, बोले फिर बचना है तो 100 रुपए ही दे दो। तो मैंने कहा साहब 100 रुपए तो ले लो, लेकिन अगले चौराहे पे भी चेकिंग चल रही, वहाँ क्या करूँगा। बोले तुम ऐसा है हमारा कोड वर्ड है आज का कोका कोला, बस अगले चौराहे पे कह दियो कोका कोला। मैं चला गया साहब, जान बचानी थी, आगे पुलिस वालों ने घेर लिया, मैंने कहा कोका कोला, बोले जाओ भाई साहब कोई बात नहीं। मैं पूरे शहर में घूम लिया कोका कोला करता हुआ, मैंने कहा कभी पकड़ के देखे कम वक्त कोका कोला आया। दूसरे दिन भी दिमाग ज्यादा खराब था, ओवर हो गया था, फिर घूमा बिना हेलमेट के बिना कागजों के, पुलिस वाले ने रोका, मैंने कहा कोका आज कोका कोला नहीं है, आज फ्रूटी है, ये ऐसे भी पकड़ लेते हैं। तो ऐसा मत समझना कि इनकी बात एक ही है, मुझे तो याद है मेरे एक दोस्त की बीबी खो गई थी, तो मेरा दोस्त मेरे पास आया, बोले भाई साहब तुम्हारी बीबी खो, तुम्हारी भाभी खो गई, बोले कहा थाने जाओ, बोले थाने नहीं जाऊंगा। हमने कहा क्यों, बोले मुझे भरोसा नहीं है, एक बार मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, थानेदार ने वापस भी कर दी ली थी, लेकिन 6 महीने चला के दी थी, अब अगर तुम्हारी भाभी मिल गई तो कम वक्त पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा हमारे पड़ोसी बहुत मजेदार हैं, उनका लड़का बीड़ी पीता था, नाक से धुआं निकालता था, बोले भाई साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, बीड़ी पी के नाक से धुआं निकालता है। मैंने कहा बाबा रामदेव के पास ले जाओ, उनके यहाँ बहुत तरह के आसन हैं, वो कोई ना कोई आसन ऐसा बताएंगे बीड़ी छूट जाएगी। 1 महीने बाद मैंने पूछा, बोले भाई साहब क्या हुआ बीड़ी छूट गई, बोले ना जी वो जब से रामदेव के यहाँ से आया ना, अब कमबख्त कान से धुआं और निकालने लगा। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास भी कि भाई हमें, हम शायर बनना चाहते हैं, हम कवि बनना चाहते हैं। एक साहब मुझ पे आ गए, बोले साहब मुझे मजाहिया शायर बना दो।
मैंने कहा कुछ सुनाओ थोड़ा सा, पता चलेगा किस तरह का मामला तुम्हारे पास। तो बोले जी मेरा शेर अर्ज है कि इल्जाम जो लगे तो तू दामन को झाड़ ले। मैंने कहा ये तो ठीक है, इल्जाम जो लगे तो तू दामन को झाड़ ले, बोई है तूने घुइया जा घुइया उखाड़ ले। मैंने कहा बड़ी खतरनाक शायरी लाया भाई। मैंने कुछ और है? बोले एक और है, वो सस्पेंस शेर है, मैं सस्पेंस शायरी करता हूँ। मैंने कहा वो भी सुनाओ क्या लिखा है। बोले रात की 12 बजे जब मैंने सड़क पे से खिड़की, रात के 12 बजे जब मैंने सड़क पर से खिड़की पे देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था, और जब मैं खिड़की पे गया तो सड़क पे कोई नहीं था। मैंने कहा तू फौरन चला जा इससे पहले कि मैं पुलिस बुला लूं। अच्छा हमारे दोस्त ने बहुत से शायर वो सियासत में चले गए और सियासत में जाने के बाद बुरी तरह फेल हो गए। इसलिए मेरा ये मानना है कि शायरों को कवियों को सियासत में नहीं जाना चाहिए। एक हमारे दोस्त थे कुमार विश्वास, आम आदमी पार्टी में चले गए थे। उसके बाद वो जहां भी जाते थे वो उनका एक बड़ा गीत मशहूर है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। अब वो गा रहे थे एक जगह, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। तो एक साहब भी मजमे से उठ के बोले, भैया जब ये हालत हो गई तो सियासत में गया क्यों था जब तू बावला हो गया तो। अब वो अजीब है। एक हमारे और हैं उत्तराखंड में बल्ली सिंह चीमा, बहुत मशहूर कवि हैं। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, लोकसभा का टिकट दे दिया आम आदमी पार्टी ने। अब वो जहां भी जाते थे लोग कहते भाई साहब मशाल जलाओ, मशाल वाली शायरी सुनाओ। अब वो सुनाते थे कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, इलेक्शन खत्म हुआ कमबख्तों ने मशाल ही बुझा दी। अब कर लो शायरी। एक हमारे मुरादाबाद में खड़े हो गए थे आके अभी इमरान प्रतापगढ़ी, मैंने मना करा था, मैंने कहा भाई साहब ऐसा मत करो। अब वो प्रतापगढ़ के लोग मुरादाबाद आके पूछ रहे हैं कहाँ है भाई साहब, कि यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, वहाँ की ये जनता यहाँ कह रही है, मुझे ला दो जाके वो सामान मेरा, कहाँ फंस गया इमरान मेरा। अब ऐसी ऐसी जगह फंस रहा कमबख्त तो अपने हाथ से लड़ लेते, माहौल खराब करने आ जाते हैं। लेकिन एक शेर सुन लीजिए कि प्यार को उसने मेरे खेल समझ रखा है, प्यार को उसने मेरे खेल समझ रखा है, मुझको डिस्काउंट वाली सेल समझ रखा है। वाह, प्यार को उसने मेरे खेल समझ रखा है, मुझको डिस्काउंट वाली सेल समझ रखा है, और रात दिन पीछे पड़ी रहती है राहुल की तरह, रात दिन पीछे पड़ी रहती है राहुल की तरह, उसने शायद मुझे राफेल समझ रखा है। उसने शायद मुझे राफेल समझ रखा है। और चोरों की अखबार में चोरों की हर एक रोज खबर है, इलेक्शन चल रहा है कि अखबार में चोरों की हर एक रोज खबर है, आ जाए ना घर मेरे यही मुझको भी डर है, आहट हुई जब रात में मैं जोर से खांसा, आहट हुई जब रात में मैं जोर से खांसा, तो चोर बोले वाओ ये केजरीवाल का घर है। लग खांसी से भी कम वक्त कहाँ इशारा कर रहे हैं। अभी ममता दीदी ने क्या क्या गुल खिलाए, ममता दीदी का एक शेर सुन लीजिए कि कोलकाता जाके कोठी कमिश्नर की खेल लो, मोदी ने सीबीआई को सब कुछ सिखा दिया। कोलकाता जाके कोठी कमिश्नर की घेर लो, मोदी ने सीबीआई को सब कुछ सिखा दिया, हम अपना पुलिस भेजा सीबीआई को पकड़ा, हम अपना पुलिस भेजा सीबीआई को पकड़ा, हम दीदी हैं बंगाल का जादू दिखा दिया, हम दीदी हैं बंगाल का जादू दिखा दिया। ऐसा एक लफ्ज आता है सियासत में मोब लिंचिंग, 20-25 लोग एक अकेले आदमी को मारते हैं उसे मोब लिंचिंग कहते हैं। अच्छा हम जैसे मजाहिया शायरों के साथ भी बहुत होती है ये, कि बीमार था मैं सास ने घूसा जमा दिया, बीमार था मैं सास ने घूसा जमा दिया, मेरी ठुकाई दोस्तों इस हाल में हुई, बीमार था मैं सास ने घूसा जमा दिया, मेरी ठुकाई दोस्तों इस हाल में हुई, और ससुरा और साले सालियां सीने पे चढ़ गए, मेरी तो मॉब लिंचिंग ससुराल में हुई। अब देखिए जो राजनीति में आपने देखा चुनाव आपके यहाँ भी हुए हैं, राजनीति में चुनाव में अलग अलग सबके निशान होते हैं, कि चुनाव चिन्ह के नाम से भी बहुत मशहूर मेरी एक कविता है, आप जोरदार तालियां बजा दीजिए फिर मैं सुनाता हूँ आपको।
जोरदार ऐसी बजती है तो कविता भी इतनी जोरदार होगी कि चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर अभी अभी सोया था, नींद की पहली पारी में ही खोया था, तभी एक जन्नाटीदार थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा। मजदूर बिस्तर से हो गया खड़ा, बोला नालायक चोरों मेरा सब कुछ ले जाओ, पर कमबख्त तो अंधेरे में इस तरह हाथ तो न चलाओ। आने वाले बोले मूर्ख तू बातें कर रहा है कैसी, हम चोर थोड़ी हैं, हमें कांग्रेसी, अगर हाथ नहीं चलाएंगे तो तुझे चुनाव निशान किस तरह बताएंगे, अगर हाथ नहीं चलाएंगे तो तुझे चुनाव निशान किस तरह बताएंगे, अब तुझे ही पंजे की साख को बचाना है, जितने जोर से तेरे हमने कल्ले पे मारा है उतने जोर से तुझे भी हमारा बटन दबाना है। मजदूर बोला माई बाप अगर सभी उम्मीदवार अपने चुनाव निशान इसी तरह प्रैक्टिकल में करके बताएंगे तो हम कहां जाएंगे, हां से हथौड़े वाले आ गए तो हम तो मारे जाएंगे। तभी बाबा ने मजदूर को पुकारा, बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा, बोले बाबा क्या आप भी उम्मीदवार हैं, बाबा हंसकर बोले हाँ बच्चा हम भी तेरी वोट के तलबगार हैं, तो बाबा क्या आपका निशान त्रिशूल है, बोले नहीं नहीं बेटा हमारा तो कमल का फूल है, लेकिन अगर वोट हमें नहीं देगा तो त्रिशूल है, हाँ तो हम उतार देंगे तुझे सीधा स्वर्ग सिधार देंगे, और तुझे ये भी पता है भाई कि जो कहते हैं वो करते हैं भाजपा। तभी एकाएक मजदूर के आंखों की गुल हो गई बाती, धक धक करने लगी छाती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी, चिंघाड़ कर बोला क्या तुझे कभी हमारा ख्याल भी आया है। मजदूर हाथ जोड़कर बोला साहब आजकल तो आप हैं और आपकी माया है, हमें मालूम है अपने पेट की हालत और आपके पंजे का आयात, हम आपको भूल जाए हमारी का औकात, और आप अपने अपनी कठोरता क्या दिखाते हैं हम जानते हैं, आपके सामने तो अच्छे अच्छे मुलायम हो जाते हैं। अंत में गले में बैलगाड़ी का पहिया लटकाए, अंत में गले में लालटेन लटकाए, बिहार से कुछ नेता आए और आते ही बोले मजदूर हम तेरे अरमानों को ठिकाने लगा दें, तू कहे तो तेरे गले में लालटेन लटका दें। मजदूर बोला साहब इसे तो आप ही लटका रही है, पर मुझे क्या करना होगा कहिए। बोले ठीक है बेटा, लालटेन नहीं लटकाना चाहता है गले में, दो मिनट तसल्ली कर ले बेटा, अपना अपना छोटा चच्चा ही समझ ले, गले में नहीं चाहता है लालटेन लटकाना तो अगली बार मुशायरे में मत आना, अगर गले में लालटेन नहीं चाहता है लटकाना तो बेटा जैसे हम कहें मोहर हमारी लालटेन पे लगाना। मजदूर था परेशान, कैसे कैसे प्रत्याशी, कैसे कैसे निशान, कहीं हाशिया हथौड़ा, कहीं हाथी, कहीं तीर कमान, पर देखो उस विधि का विधान, इन आतंकी उम्मीदवार की धमकियों की वजह से मजदूर तो बेचारा डर गया और ठीक चुनाव के दिन बिना वोट दिए ही मर गया, बिना वोट दिए ही मर गया, बिना वोट दिए।